और जैसे ही थोड़ा सा समय निकला, आज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शाम का समय और गंगा जी पर चले जाए, और भोलेनाथ जी गंगा जी पर जाएं और वहां माता पार्वती को मालूम नहीं कि प्रभु आजकल, हमेशा तो मेरे को साथ लेकर भ्रमण पे निकलते थे, आजकल भोलेनाथ जी जाते कहां हैं, शंकर जी जा कहां रहे, पता नहीं कहां रहे। और बाबा भोलेनाथ जी का स्मरण करा, माता पार्वती ने उसी समय पर गणेश जी को भेजा, गणेश जरा मालूम करो पिताजी कहां जा रहे हैं। और पिताजी को देखकर गणेश जी आए और आकर कहा, मां पिताजी तो कुछ कन्याओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में गंगा जी के जल में अटखेलियां कर रहे थे। इतना तो मां से कहना था। भोलेनाथ जी के शब्द सुनकर, गणेश जी के वाक्य सुनकर मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माता पार्वती क्रोध में लाल, और उसी समय पर माता पार्वती क्रोध में लाल होकर सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गई, सीधे गंगा जी के तट पर। और गंगा के तट पर माता पार्वती जब पहुंची और जगत जननी ने देखा, पांच स्त्रियों के साथ में, पांच कन्याओं के साथ में भोलेनाथ पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान उन पर पानी फेंके, कभी वो कन्या इन पर पानी फेंके, कभी शिव पानी फेंके। इतने में माता पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ जी को आवाज दी, शंकर भगवान जल क्रीड़ा करते हुए खड़े हुए और खड़े होकर बोले, क्या बात है पार्वती, इतना क्रोध क्यों करती हो। पार्वती बोली, भोलेनाथ ये स्त्रियां कौन, ये नारियां कौन है, मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और आप इन स्त्रियों का संग कर रहे हो। होता है कभी कभी, एक पति अपनी पत्नी को रोज धमकी देता था, तू मेरे से सही से रिया कर, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। बेचारी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार हमारे यहाँ कथा में आई कि गुरुजी मेरा पति रोज धमकी देता है, मैं क्या करूं। मैंने पूछा, क्या धमकी देता, कि हमेशा बोलता भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तू मेरे से अच्छे से रिया कर। तो मैंने कहा, वो तुझे धमकी देता है तो तू भी दे दे, कि द्रौपदी के पांच थे, तू क्यों। उसने, गुरुजी अब तुम चिंता मत करो, अब बोल। अब दूसरे दिन फिर बोला, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में जूड़ा बांधती बांधती, देखना माताएं जब झगड़ने जाती हैं, लड़ने जाती है, जूड़ा बांधती, क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जूड़े से एनर्जी मिलती होगी लड़ने में, पावर। अच्छा पड़ोसन से 3-4 बार लड़ेगी ना, तो 3-4 बार इसका जूड़ा खुलेगा, फिर बांधती बांधती बोल तो जरो, बोल बोलो, एनर्जी पावर पावर है। होता है, एक पंडित जी बहुत कथा वाच रहे थे, बहुत जोरदार जोरदार कथा वाचे, तो एक सरदार जी ने पूछ लिया, महाराज इतना ज्ञान कहां से आता है तुम्हारे पास में। पंडित जी बोले, हमारा ये चोटी है ना, ये अर्थिंग का ये तार है, एंटीना, ये ऊपर से आता है, इसलिए हम बोल देते। इतने में तुरंत सरदार जी बोले, तुम्हारी चोटी से बड़े तो हमारे बाल, फिर हमको ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले, ज्ञान तो तुमको आता है, पर ये अर्थिंग का तार है, नीचे टपक जाता है, ज्ञान आने की कमी नहीं, आता जरूर है, सब चला पाया, मना नहीं है। तो भैया कभी ना बोले, भगवान शिव जब अटखेलियां कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, पांच पांच स्त्रियों के साथ में अटखेलियां, तो भोलेनाथ जी के सम्मुख में पार्वती मैया ने कहा, आप ये पांच स्त्रियों के साथ, पांच कन्याओं के साथ क्या कर रहे हो, कौन है ये, मैं एक पत्नीव्रत का पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और तुमने ये क्या करा। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती मौन होइए। पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले, भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी पांच बेटियां हैं, ये मेरी पांच पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, पांच पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए,
मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा। तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने से पांच धाराएं प्रकट हो गईं। उस पांच धारा से, गंगा जी की गोद से मेरी ये पांच बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और पांचवी दोतली। ये पांच कन्या शंकर जी की पांच बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते भैया। शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकू क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूँ कि आज के बाद आपके शरीर पर ये रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकू नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ाता। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगन चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अभीर चढ़ेगा, पर कुंकू शंकर को कुंकू। जैसे अधिक मास के महीने में, अब ये जो अधिक मास आ रहा है ना आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे पांचवा दिन का जो अधिक मास होता है पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, तीन साल में एक बार अधिक मास आता है, अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर सात बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में तीन साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस दूं। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते, केवल अधिक मास के अंतर्गत करें। और आपको तो मौका मिल रहा है ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा, भजन चित्त धरी। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में पांचों कन्याओं को देखकर, गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी पांच बेटियां हैं। पार्वती जी ने पांचों को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा,
सर्प की आज्ञा। और वो पांच कन्या शंकर भगवान की पांच सर्प रूप की बेटियां हुई, सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन पांच सर्प यह बनाते हैं, पांच सर्प बनाए जाते हैं, वो शंकर भगवान की पांच बेटियां बनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजन होती है।